हेलो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू आर फर्स्ट सेशन ऑफ चैप्टर 7, द ग्रीन प्लांट्स। सो चिल्ड्रन, एज यू ऑल नो दैट प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड, फॉर द ऑक्सीजन, एंड प्लांट गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स लाइक वैक्स, गम, ओके, वुड, मेडिसिंस, ओके। So children, plants are very, very, very important to us. Okay. So in this chapter, you will learn about leaf. How do leaves make food? Interdependence of plants and animals. हम इस chapter में देखेंगे कि leaves क्या हैं, leaves किस तरह से, आपने previous chapters में पढ़ा है कि जो leaf हैं उन्हें हम क्या वो क्या करती हैं plant के लिए, food prepare करती हैं, okay? जिसे किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। सो वो किस तरह से जो फूड है वो मैक करती हैं, ओके, और प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंडेंट हैं, ओके। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज लीफ। लीफ मीन्स पत्ती। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑन अर्थ आर ग्रीन प्लांट्स। देखिए, अर्थ पर जो मोस्टली प्लांट्स हैं वो सभी क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, ओके। दे अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इन द लीव्स। अंडरलाइन कर लीजिए ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन क्यों होता है। मीन्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, ग्रीन होती हैं। तो उनका कलर हमें ग्रीन क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उनमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ओके। रिमेंबर इट, याद रखना है आपको ये चीज़ कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनका ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है, ओके। क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स की मदद करता है अपना खुद का फूड प्रिपेयर करने के लिए, कैसे, यूटिलाइजिंग सनलाइट, यानी सनलाइट को यूज़ करते हुए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल और ह्यूमन बीइंग जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि प्लांट्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो अपना फूड प्रिपेयर करने में काम में लेते हैं और हमें उसके बदले क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ओके। सो क्लोरोफिल का एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन सी होती है, जिसकी हेल्प से प्लांट्स अपना फूड मैक करते हैं, बनाते हैं, ओके। सो प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनका ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है, और क्लोरोफिल किस चीज़ में हेल्प करता है, प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हुए, ओके। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लीव्स। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। एज यू ऑल नो दैट चिल्ड्रन, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव भी डिफरेंट काइंड्स की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने नीम लीव्स देखी हैं वो डिफरेंट काइंड की होती हैं, ओके। आपने पाइन लीव्स देखी हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। गुलमोहर लीव्स देखी होगी आपने, तुलसी लीव्स देखी होंगी, ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ओके। इनका शेप, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट फंक्शन सबका सेम है। क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना, ओके। वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट बाय लुकिंग एट इट्स लीव्स। हम प्लांट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा प्लांट है, उसकी लीव्स देखकर ही आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा प्लांट है। हम जब नीम लीव्स देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये नीम लीव्स है, ओके। बनियान ट्री की जब हम लीव्स देखेंगे तो हम कह सकते हैं, ओके। मैंगो ट्री की जब आप लीव देखोगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मैंगो ट्री है, ओके। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नीम लीव्स, यूकेलिप्टस लीव्स, पाइन लीव्स, गुलमोहर लीव्स, तुलसी लीव्स, आप देख सकते हैं कि ये सब क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है शेप और साइज में, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ लीफ।
अब देखिए, हम एक जनरली कोई भी लीफ लेते हैं, ओके, हम सभी लीव्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनका शेप और साइज़ क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से, ओके, बट उनमें इनमें कुछ जनरल स्ट्रक्चर जो होती हैं वो सेम रहती हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, ओके, ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से दिखने में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, सबका फेस अलग अलग होता है, बट जो हमारे जनरल फंक्शंस हैं वो सब सेम है. हम सभी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हम सभी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ब्रीथ आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ओके, हमें सभी को फूड चाहिए ग्रो करने के लिए. सो हमारे फेसेस अलग हो सकते हैं बट हमारे जो जनरल नीड्स हैं, हमारे जो जनरल फंक्शंस हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सब सेम होते हैं सभी के, ओके. सो इसी तरह से लीव्स में भी होता है कि लीव्स दिखने में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं बट उनके फंक्शन सेम होंगे, उनकी जो जनरल स्ट्रक्चर होगी वो सेम होती है, ओके. इफ़ वी लुक एट ए लीफ क्लोजली, जब हम किसी भी लीफ को बहुत पास से देखते हैं, वी विल सी दैट इट इज़ ए फ्लैट पार्ट कॉल्ड द लीफ ब्लेड. तो जब आप लीफ देखोगे तो ये इसका जो फ्लैट पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट, ओके, ये क्या होता है, ये लीफ ब्लेड होता है. सम लीव्स हैव वेरी ब्रॉड लीफ ब्लेड. देखिए, कुछ पत्तियाँ बहुत चौड़ी होती हैं तो उनका जो लीफ ब्लेड होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, ब्रॉड होगा. कुछ कैसी होती हैं, कुछ लीव्स ऐसी होती हैं पतली, जैसे कि आपने पहले देखा था, हम नीम लीव की बात करते हैं, नीम लीव इस टाइप की होती है, ओके. सो इसका ये जो लीव ब्लेड वाला पार्ट होगा, ये पूरा, ये क्या होगा, ये पतला होगा. कुछ लीव्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे कि बनाना ट्री की जो लीव होती है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, तो उसका जो लीव ब्लेड होगा वो बहुत बड़ा सा होगा. यानी ये डिपेंड करता है कि लीव का साइज़ क्या है, जितनी बड़ी लीव्स होगी उतना ही बड़ा उसका लीव ब्लेड होगा, ओके. ये लीव ब्लेड पार्ट होता है, ये पूरा जो होता है ना, ओके. नेक्स्ट इज, सम लीव्स हैव वेरी ब्रॉड लीव ब्लेड्स व्हाइल सम हैव नैरो वंस. कुछ लीव्स कैसी होती हैं जिनका लीव ब्लेड्स बहुत ब्रॉड होता है, और कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनका नैरो होता है, यानी बहुत संकड़ा होता है. ईच लीफ यूजुअली हैज़ वन मैन विन. अब आपने देखा होगा कि बीच में से एक इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर जाती है, इसे कहते हैं हम मैन विन. जब आप लीफ की ड्राइंग बनाते हो तब भी आप जनरली इस टाइप से बनाते हो, और ये बीच में एक लाइन बना देते हो आप, और एक छोटी छोटी इस तरह से बनाते हो. सो जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाई होती है बीच में, ओके, ये जो मिड में आप बनाते हो, यही क्या होती है, मैन विन. यही क्या है, मैन विन, ओके. ईच लीव यूजली हैज मैन विन एंड मैनी साइड विन्स. और फिर इसी से क्या निकलती हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं ये होती हैं साइड विन्स, ओके. फॉर एग्जाम्पल, आप कभी भी लीव ड्रॉ करते हैं सो आप जनरली इस तरह से ड्रॉ करते हैं. आपने ये लीव बनाई एंड ये बीच में मैन विन बना दी, और इससे हम छोटी छोटी सी साइड विन्स निकाल देते हैं, ओके. सो आपको क्लियर है साइड विन क्या है, मैन विन क्या है, एंड लीफ ब्लेड क्या है. सो ये जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया, ये हुआ ब्लेड, ओके, लीफ ब्लेड. जब हम इसमें बीच में एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये होती है मैन विन. एंड जब हम साइड से स्मॉल स्मॉल विन्स निकालते हैं, ये होती हैं साइड विन. क्लियर. दीज विन्स हेल्प इन टैकिंग वाटर एंड मिनरल टू द लीफ. ये स्मॉल स्मॉल, जैसे कि आप कह सकते हैं कि ट्यूब्स का काम करती हैं. क्या करती हैं ये, कि जो वाटर और मिनरल्स जो रूट पार्ट से आते हैं उन्हें पूरी पार्ट में भेजती हैं, पूरी लीव्स में, ओके. एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और क्या करती हैं ये, कि जो फूड यहाँ प्रिपेयर हुआ है लीफ के अंदर, उसको अदर पार्ट्स तक भेजती हैं, ओके. सो साइड विन और मैन विन का वर्क आपको पता चल गया है, कि जो भी रूट्स जो हैं वो क्या करती हैं, वाटर एब्जर्व करती हैं, स्टेम तक आता है, और फिर स्टेम से ब्रांचेस में, और ब्रांचेस से
लीव्स में जाता है, तो लीव्स में जाने के लिए इसमें मैन विंड और साइड विंड्स होती हैं, और जो लीफ ने फूड प्रिपेयर किया है वो फूड पूरे प्लांट्स में किसके थ्रू जाता है, साइड विंड और मैन विंड्स के थ्रू ही जाता है. ओके एंड चिल्ड्रन, ये जो लीफ होती हैं इन पे एक स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं. ओके उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा का क्या वर्क होता है कि ये जो फूड प्रिपेयर हुआ है उसके प्रोडक्ट में क्या बनता है, गैस, ऑक्सीजन गैस भी बनती है. तो वो ऑक्सीजन गैस हमें कैसे मिलती है, वो स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट से निकलती है, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट्स अपने अंदर लेते हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी होल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ ए लीफ. प्लांट की जो अंडर साइड होती है उसमें क्या होते हैं, टाइनी टाइनी से होल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा. दीज टाइनी होल्स आर नोन एज स्टोमेटा. और यही टाइनी होल्स किस तरह किस नाम से जाने जाते हैं, स्टोमेटा के नाम से जाने जाते हैं. दे हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर. वही चीज़ है कि ये किस ये क्या हेल्प करते हैं प्लांट की ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करने में. ब्रीथ इन ये कौन सी गैस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन गैस हम काम में लेते हैं. लीव्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक देयर ऑन फूड. लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए. फंक्शंस ऑफ ए लीफ. अब हम बात करते हैं लीफ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. तो आपको यहाँ क्लियर हो ही गया होगा कि लीफ के क्या क्या फंक्शंस हैं, कि जो गैसेस हैं उनका एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा के थ्रू. ओके वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एंड फूड ट्रांसपोर्ट के लिए. लेट्स सी फंक्शंस ऑफ अ लीफ. अ लीफ परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. ग्रीन लीफ ऑफ अ प्लांट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. देखिए ग्रीन लीफ जो होती हैं वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं. लीव्स आर देयरफॉर नोन एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ ए प्लांट. इसलिए जो लीफ हैं उनको फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट भी कहा जाता है, यानी प्लांट की फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है. ओके और कौन सा सब्सटेंस पाया जाता है जिसकी वजह से प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है, क्लोरोफिल. ओके चिल्ड्रन भूलना नहीं है, क्लोरोफिल की वजह से इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में काम में आता है. और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. और फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ें काम में आती हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. ओके इट हेल्प्स अ प्लांट टू ब्रीथ थ्रू द होल्स ऑन इट्स सर्फेस. देखिए प्लांट्स को सांस लेने में भी लीव्स ही मदद करती हैं, क्योंकि इन पर स्टोमेटा पाए जाते हैं. सो स्टोमेटा के थ्रू ये गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. सम प्लांट सच एज मिंट, स्पिनेच एंड कैबेज हैव लीव्स दैट कैन बी ईटन एज फूड. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं हम एज ए फूड खाते हैं, जैसे कि मिंट है, पुदीना, स्पिनेच, पालक, कैबेज, इन सब की लीव्स को हम एज ए फूड कंज्यूम करते हैं. सम लीव्स हैव मेडिसिनल वैल्यू टू, फॉर एग्जांपल तुलसी एंड नीम. कुछ प्लांट्स की लीव्स ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, जिसे हम एज ए मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि नीम लीव्स. नीम लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि स्किन एलर्जी के लिए, पिंपल्स के लिए और ब्लड प्योरीफाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तुलसी के आप सभी यूज़ जानते हैं. ओके तुलसी भी एक मेडिसिनल प्लांट ही है.